पर्यटन एवं बौद्ध नगरी धर्मशाला मकलोटगंज का नूर यानी नड्डी स्थित डल झील सूख गई है। झील के रखाव को सही तरीके से ना कर पाने के कारण अधिक मात्रा में पानी का रिसाव किया गया, जिस कारण इसका अस्तित्व खतरे में आ गया है। पानी सूखने से मछलियां भी कीचड़ में तड़पने के लिए मजबूर हैं और बहुत सारी मछलियां तो मर चुकी हैं, जो कि कुत्ते बिल्लियों का शिकार बन रही हैं। केंद्र सरकार ने कई वर्षों पहले 4 करोड़ से एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट के तहत झील के सौंदर्यकरण की योजना मंजूर की थी, लेकिन वर्षों बाद भी योजना अधर में है। इतना ही नहीं, हिमाचल पर्यटन विभाग शिमला को 1.25 करोड़ जारी भी कर दिए गए हैं, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जिससे अब धार्मिक आस्था के प्रतीक और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को निराशा हाथ लग रही है। स्थानीय लोगों में सरकार, प्रशासन और विभाग के खिलाफ रोष भी देखने को मिल रहा है। पर्यटन नगरी धर्मशाला के नड्डी डल झील के अस्तित्व पर खतरे के बाल छा गए हैं। रिसाव को एक दशक में अब तक दुरुस्त नहीं किया जा सका है। ऐतिहासिक महत्व रखने वाली डल झील का पर्यटन स्थल के साथ साथ धार्मिक स्थल के रूप में विशेष महत्व है। नड्डी शिव मंदिर और नड्डी डल झील को चंबा स्थित मणि महेश के बाद छोटा मणि महेश के रूप में मान्यता प्राप्त है। राधाष्टमी और कृष्णाष्टमी को पवित्र स्नान के उपलक्ष्य पर चंबा मणि महेश में शाही स्नान होने के साथ साथ डल झील नड्डी में भी पवित्र नौण का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि अगर कोई चंबा मणि महेश का नहाण करने में असमर्थ है तो अगर डल झील में नहाण कर ले तो चंबा मणि महेश नहाण के बराबर हो जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने डल झील पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन अब डल झील के पानी सूखने से लोगों की आस्था को भी गहरा धक्का लग रहा है। डल झील का पानी हर वर्ष सूख रहा है, जिस कारण झील में मौजूदा हजारों मछलियों के जीवन पर भी खतरा पैदा हो गया है। इससे पहले भी लगातार कई वर्षों से झील में पानी सूखने का मामला सामने आया था। गौरतलब है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से नड्डी डल झील का सौंदर्यकरण की योजना बनाई गई है। इसके तहत 4 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया गया है। इसमें 1.15 करोड़ पर्यटन विभाग शिमला के बैंक के खाते में धूल फांक रहे हैं। भतल्ला पंचायत के प्रधान ओम प्रकाश ने बताया कि नड्डी डल झील उनकी पंचायत में पड़ती है और वे खुद शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर से नड्डी डल झील के बारे में बात कर चुके हैं। उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि जल्द ही झील का सौंदर्यकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर जल्द झील के सौंदर्यकरण का काम शुरू नहीं हुआ तो सरकार व प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। मैं ओम प्रकाश, प्रधान ग्राम पंचायत बतल्ला, और ये डल झील जो है मेरी पंचायत में पड़ती है, तो 2 दिन से मेरी मैडम सरवीण चौधरी जी, मंत्री जी से बात हो रही है, कपूर जी से भी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है हम इस झील का जीर्णोद्वार करेंगे। अगर नहीं होता ऐसे, क्योंकि ये बार बार ऐसे ही होता है यहाँ, तो उसके बाद आपका क्या एक्शन होगा? नहीं, पूर्ण विश्वास है हो जाएगा। अगर ना हुआ तो फिर हम सरकार से फाइट करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हो जाएगा, क्योंकि दो दो मंत्री बैठे हुए हैं और दोनों ने हमें आश्वासन दिया कि प्रधान जी हम जल्दी से जल्दी मछली को भी बचाएंगे और जल झील का जीर्णोद्वार भी जल्दी से जल्दी करेंगे। धन्यवाद। स्थानीय निवासी रविंद्र कुमार ने बताया कि यहाँ हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, झील को देखकर मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि झील सूखने से मछलियां मर रही हैं। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार आती है झुनझुना देकर अपना कार्यकाल पूरा करती है। रविंद्र कुमार ने कहा कि वर्षों से करोड़ों रुपए की घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर झील के सौंदर्यकरण का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर झील का कार्य जल्द शुरू नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। सर, मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, यहाँ पे मेरी शॉप है, और मैं इस यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट वगैरह जितने भी आते हैं उनसे एक ही चीज सुनता हूँ, ये झील है, इस झील का कोई महत्व है? अब हमको तो पता है कि इसका महत्व कितना है, अदरवाइज
उनको हम किस हिसाब से बताएं कि हमारी झील का क्या हाल है। इस टाइम आप भी देख रहे होंगे कि झील में ना तो पानी है और मच्छियां मर रही है। हमारा तो गवर्नमेंट से ये गवर्नमेंट क्या, ये तो अभी 2-3 महीने हुए इसको आए हुए, इससे पहले 5 साल पहले जो पुरानी सरकार थी उनसे भी हमारी ये मांग रही कि हमारी झील को कुछ मतलब इसको डेवलप कीजिए। उन्होंने भी हमको झुंझुना दिया और ये भी सरकार झुंझुना दे रही है। अगर नई सरकार काम करती है तो उसके बाद आप सर हमारा तो लास्ट है कि अब 2019 आने वाला है। मैं अगर लोकल निवासी हूँ, मेरे साथ भी 10 आदमी और जुड़ेंगे। अगर मैं बोलूँ कि भाई 10 आदमी आगे मेरे साथ खड़े होते हैं तो 10 के साथ 100 खड़े होते हैं। तो हम लोग नहीं सरकार को चाहेंगे कि भाई हमारा झील सबसे मस्त हमको हमारी झील बननी चाहिए पहले। वहीं हरियाणा पानीपत से घूमने आई विशाली ने बताया कि देश भर में बहुत कम पर्यटन स्थल हैं और देश विदेश से पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, तो उनको दिखाना चाहिए कि भारत कितना सुंदर है, तो सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? पानीपत। आपका नाम? विशाली। ये एक बहुत सुंदर प्लेस है और यहाँ पे जो है मछलियाँ भी मर रही हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? आई थिंक कि इंडिया में बहुत कम ही टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लोग बाहर बाहर से आते हैं, इवन फॉरेन से पीपल आए हुए हैं, तो उन्हें दिखना चाहिए कि हाँ इंडिया कितना सुंदर है। तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी डेवलपमेंट की यहाँ बहुत नीड है, क्योंकि यहाँ जो ट्रीज हैं देवदार स्पेशली, वो एक्चुअली यहाँ पर जहाँ पर हिल स्टेशन हिली एरियाज होते हैं वहीं पर होते हैं। तो गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप कि हाँ यहाँ पर जो फिशेज मर रही हैं उनके लिए थोड़ा स्टेप लें, थोड़ा इस प्लेस को जो इतना सुंदर है उसको और सुंदर बनाएं और थोड़ा सा केयरफुल ज़्यादा हों और यहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट करें। यहाँ लेक पूरी सूखी पड़ी है। इस मुद्दे पर उपनिदेशक पर्यटक विभाग डॉक्टर मधु चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि डल झील के सौंदर्यकरण के लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट के तहत 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हुए हैं। इसमें 1,15,00,000 रुपए पर्यटन विभाग को मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए टेंडर पर्यटक विभाग निदेशालय शिमला से किए जाएंगे और फॉर्म का काम का ऑर्डर भी वहीं से दिया जाएगा, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस काम को शुरू करने से पहले किसी जियोलॉजिस्ट और वेटलैंड एक्सपर्ट से राय ली जाएगी ताकि पानी का रिसाव कहाँ है और क्यों है इसका भी पता लगाया जा सके। डल लेक की ब्यूटिफिकेशन के लिए भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन के तहत लगभग 4 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है, जिसमें से 1,15,00,000 मेरे ऑफिस में पहुंच गया है। और डल लेक की ब्यूटिफिकेशन के लिए टेंडर्स डायरेक्टरेट लेवल पे किए गए हैं और जहां तक मेरी बात हुई है तो ये टेंडर्स अवार्ड कर दिए गए हैं, अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन काम स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये इंश्योर करना चाहेंगे कि काम स्टार्ट होने से पहले उसका पहले जियोलॉजिस्ट से और वेटलैंड एक्सपर्ट से जो है जो इसमें पानी सूख रहा है उसके लिए राय लेना चाहेंगे, ताकि हमारा जो भी पैसा यहाँ पे खर्च हो उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके।